तुम्हें एक जंतर देता हूं, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो, जो विचार तुम कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ फायदा पहुंचेगा? क्या उससे वो अपने ही जीवन और भाग्य पर काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे करोड़ों लोगों को स्वराज मिल जाएगा जिसके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम खत्म हो रहा है। नमस्कार, सलाम। ये केवल गांधी जी की कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि गांधी जी के विचारों का आईना है। वो विचार जिसकी आज नए भारत में लगभग हत्या कर दी जा रही और इसके प्रयास देश की आजादी से पहले से चल रहे थे और आजादी के बाद और तेज हो गए। पत्रकार अनिल जैन महात्मा गांधी के निजी सचिव प्यारे लाल की किताब महात्मा गांधी पूर्ण आहुति प्रथम खंड के हवाले से लिखते हैं कि आजादी के बाद अपने पहले जन्मदिन 2 अक्टूबर 1947 को गांधी जी ने पूछा था, आज मुझे बधाइयां क्यों दी जा रही हैं? क्या इससे बेहतर यह नहीं होता कि मुझे शोक संदेश भेजा जाता? और आज सारे सुखन हमारे में बात महात्मा गांधी की। एक सौ 25 बरस जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति यह शोक की बातें क्यों कर रहा था? क्यों अपने मरने की दुआ कर रहा था? क्योंकि वह देख रहा था जैसा आजाद भारत वह चाहता था, यह वह आजाद भारत नहीं है। यही वजह है वे आजादी के जश्न में शामिल होने के बजाय देश में भड़की सांप्रदायिकता की आग को बुझाने के काम में लगे हुए थे। और इन दिनों जब देश में उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे और उसके साथ फांसी पर लटकाए गए नारायण आप्टे, इन दोनों की मूर्तियों और मंदिर बनाने के काम किए जा रहे हैं, हैशटैग चलाया जाता है गोडसे अमर रहे, हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए जाते हैं, ऐसे में वाकई आज गांधी होते तो शायद यही कहते कि मुझे बधाई नहीं शोक संदेश भेजिए। इजहार मलिहाबादी की नज्म का यह हिस्सा देखिए के बाद गांधी के न सुन हमने समा देखा क्या, फसले गुल आते ही हर बागो चमन उजड़ा क्या, दिल ही अफसुरदा हो जब पेशकशे सहबा क्या, आंख ही जब न रहे दावते नजारा क्या, जिंदगी मौत से बदतर हो तो फिर जीना क्या। फिर मने जुल्म को अब आग लगा दे कोई, चांद तारों के चरागों को बुझा दे कोई, आसमानों को जमीनों पे झुका दे कोई, जाके गांधी को यह सब हाल सुना दे कोई, जुल्म ढाते हैं अहिंसा के पुजारी क्या क्या। कहते हैं ना कि जब भूख जोरों से लगती है तो रोटी की खुशबू ज्यादा परेशान करती है। कहते हैं ना जब भूख जोरों से लगी होती है तो रोटी की खुशबू ज्यादा परेशान करती है। जब बाहर तपती दोपहरिया होती है तो घनी छांव का ख्याल भर राहत दे जाता है और कड़कड़ाती सर्दी में आग तापने भर की बात से तन में गर्माहट आ जाती है। वैसा ही इस समय भारतीय लोकतंत्र के साथ हो रहा है। जिन आदर्शों के लिए गांधी जी की खास जगह है इस देश में दुनिया भर में, वे आज गायब हो रहे हैं या नफरती राजनीति विभाजनकारी विचारधारा उन्हें दफन करने पर उतारू है। 7 संदूकों में भर के दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। सब जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या के मूल में भारत विभाजन से उपजा गुस्सा नहीं था बल्कि उनकी प्रेम सत्य अहिंसा सर्वधर्म संभाव वाली यह विचारधारा थी जिसे हिंदुत्ववादी कभी स्वीकार नहीं करते। मेरा मजहब इश्क का मजहब जिसमें कोई तफरीक नहीं,
मेरा मजहब इश्क का मजहब जिसमें कोई तफरीक नहीं, मेरे हलके में आते हैं तुलसी भी और जामी भी। आप देखिए कि गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिनसे आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप उनसे नफरत नहीं कर सकते। बेशक गांधी जीवन भर सत्य के प्रयोग करते रहे और अपने विचारों में बदलाव लाते रहे। पहले गांधी जी ने कहा कि ईश्वर ही सत्य है, लेकिन फिर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि अपने अपने ईश्वर को सर्वोच्च प्रतिष्ठित करने के द्वंद ने ही तो सारा कोहराम मचा रखा है। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि ईश्वर ही सत्य है नहीं, बल्कि सत्य ही ईश्वर है। इतना ही नहीं, बाद के जीवन में जब गांधी जी से पूछा गया क्या आप हिंदू हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं हिंदू हूं, मैं एक ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध और यहूदी हूं। अब देखिए संत रैदास की बानी, हिंदू तुर्क नहीं कुछ भेदा, सभी में एक रक्त और मासा, दो एकु दूजा नाही, तैखो सोई रैदासा। पत्रकार लेखिका फरा नकवी भी तकरीबन इसी स्वर में ऐलान करती हैं, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं और हां मैं मुसलमान भी, मेरी बिंदी से, हिजाब से पहचान भी, कभी अल्लाह कभी ईश्वर मेरा ईमान भी, मेरे बच्चे को वही दर्द है मुस्कान भी, अलग अलग हो तुम और तुम्हारे ये गेरवे चश्मे, अलग हो तुम और तुम्हारे ये गेरवे चश्मे, अकेले बांटते रहो मुल्क बांटने की कस्में, मैं चौराहों पर हूं हर कूचाओ मैदान मेरा, लो अपना हक जताती हूं ये हिंदुस्तान मेरा। गांधी ने जब कहा कि वे रामराज लाना चाहते हैं तो हिंदुत्ववादियों को खुशी हुई, लेकिन उसी पल में गांधी जी ने यह भी साफ कर दिया कि उनका राम वो नहीं है जो राजा दशरथ का बेटा है। उन्होंने कहा कि जनमानस में एक आदर्श राज की कल्पना रामराज के नाम से बैठी है और वे उस सर्वमान्य कल्पना को छूना चाहते हैं। यही वजह तो है कि कट्टरवादी हिंदुत्ववादी उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनके बारे में तरह तरह की झूठी कहानियां बनाते रहते हैं। सच तो ये है कि हिंदुत्ववादी ना भगत सिंह को पसंद करते हैं और ना ही गांधी को, और ना अंबेडकर को सहन कर पाते हैं। उनके विचारों को माइनस करके सिर्फ ऊपर ऊपर से उन्हें याद किया जाता है, क्योंकि इनका नाम लिए बिना व्यापक भारतीय समाज हो या फिर विश्व में स्वीकारता पाना संभव नहीं। हकीकत यह है कि हिंदुत्ववादी इनकी मूर्तियों तक को सहन नहीं कर पाते। आपको याद है इसी साल 13 फरवरी को बिहार में चंपारण में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ दी गई। चंपारण वही जगह है जहां से गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह प्रतिमा वहां चरखा पार्क में स्थापित थी। तोड़ी गई गांधी प्रतिमा को देखते हुए मैंने एक कविता लिखी, पांव सलामत हैं और मुट्ठी भी बंधी हुई, फिर क्या फिक्र है, फिर क्या चिंता, तुम मूर्ति ही तोड़ सकते हो, हिम्मत और जज्बा नहीं। देखो वो मुट्ठी बंधा हाथ टूटकर भी कैसे तना है, कैसे थाम रखी है अहिंसा की लाठी, उठे हैं पांव, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े आ रहे हैं कदम, आ रहे हैं तुम्हारी तरफ सावधान। तुम क्या क्या तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे, तुम मूर्ति ही तोड़ सकते हो, हिम्मत और जज्बा नहीं। तुमने देख लिया गांधी को मारकर सैकड़ों हजारों गांधी खड़े हो गए गली चौराहे, बुतों की शक्ल में, अवाम के दिलों में। और अब तुम क्या करोगे, तुम किसे मारोगे, तुम व्यक्ति को ही मार सकते हो, उसके विचारों को नहीं। तुम मूर्ति ही तोड़ सकते हो, हिम्मत और जज्बा नहीं। नफरत इस कदर है कि हिंदुत्ववादियों के न्यू इंडिया में गांधी जयंती से 4 दिन पहले 2015 में 28 सितंबर को दादरी में गौमांस के शक में एक गरीब मुसलमान अखलाक की गो गुंडों ने हत्या कर दी। जबकि गांधी कहते थे जैसे मैं गाय को पूछता हूं वैसे मैं मनुष्य को भी पूछता हूं, जैसे गाय उपयोगी है वैसे ही मनुष्य भी, फिर चाहे वो मुसलमान हो
या हिंदू उपयोगी है। उसी साल 2 अक्टूबर को मैंने लिखा, अखलाक की लिंचिंग के बाद दादरी के बिसाहड़ा से लौट रही हत्यारी भीड़ जा रही है राजघाट। मुबारक हो आज गांधी जयंती है। और नफरत इस कदर है कि कश्मीर फाइल्स जैसी एक फिल्म देखकर भी हिंदुत्ववादी नेहरू गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन ये दिलचस्प है कि नाथूराम गोडसे को मानने वाले, गांधी की अहिंसा का मजाक उड़ाने वाले भक्त भी छात्रों और किसानों के आंदोलन के जरा उग्र होते ही अहिंसा का उपदेश दोहराने लगते हैं। अब देखिए ना, गांधी जयंती इसे बहुत ही सोची समझी रणनीति राजनीति के तहत महज स्वच्छता दिवस में तब्दील कर दिया गया। गांधी के पूरे व्यक्तित्व, उनकी विचारधारा को एक अदद चश्मे में कैद कर दिया गया। ये बात सही है कि गांधी जी साफ सफाई के आग्रही थे, स्वच्छता पसंद करते थे, लेकिन ये स्वच्छता केवल बाहरी साफ सफाई का मामला नहीं था, वहीं तक सीमित नहीं थी, बल्कि आचार विचार की स्वच्छता की बात थी। और वह स्वच्छता और आज का स्वच्छ भारत दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि यहां अंतिम जन कहीं मौजूद नहीं। हालांकि गांधी से इस बात का हमेशा विरोध रहेगा, क्योंकि वे वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, जाति और जातिगत भेदभाव कायम रखकर स्वच्छता की बात नहीं की जा सकती। इसी मौके पर याद आते हैं संत रैदास, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। हालांकि गांधी ने यह भी कहा था, मैं आप सबसे ज्यादा पक्का और खरा अछूत हूं, क्योंकि आप जन्मतः अछूत हैं और मैंने अपने लिए अछूत होना चुना है। बहुत लोग गांधी और भगत सिंह में हिंसा अहिंसा के सिद्धांत को लेकर भी विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी ने भी करो या मरो का नारा दिया था, और उससे पहले भगत सिंह भी कह गए थे कि पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इसी सिलसिले में कहा जा सकता है कि जंग का शोर भी कुछ देर तो थम सकता है, जंग का शोर भी कुछ देर तो थम सकता है, फिर से एक अमन की अफवाह उड़ा दी जाए। और अंत में वही भजन, वही प्रार्थना जिसे गांधी जी की पोती मनु ने संशोधित किया, जिसे साहिर ने 1970 में कुछ इस तरह से गीत में ढाल दिया। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। इस धरती पर बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, कोई नीच ना कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जातो नस्लों के बंटवारे, झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, कर्म से ही सबकी पहचान, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। शुक्रिया, धन्यवाद, सलाम।